हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मनी ब्लॉगर। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो जैसा कि आपको पता है, अब आने वाले हैं जाड़े, और जाड़े में हम लोगों की हड्डियों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, ख़ासतौर से उनके जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा हम लोग क्या खाएँ जो हम लोगों के घुटनों की ग्रीस बढ़ने लगे, और कौन सा ऐसा हल्का फुल्का आसन करें जिससे आपके घुटने सही रहें, उनमें बिल्कुल दर्द ना हो और वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करने लगें। तो वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारे घुटनों की ग्रीस बढ़ने लगती है, क्योंकि घुटनों की ग्रीस जब कम हो जाती है तभी हम लोगों को चलने में, उठने बैठने में और कोई भी काम करने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थोड़ा सा चलते हैं, थक जाते हैं, या कोई सामान नीचे से उठाना है तो हम लोगों को आलस आता है। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम आज हम लोग अपने वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स पता चलेगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, वीडियो में बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए जो भी खाने की चीज़ें बताने वाले हैं उसके साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम भी ज़रूरी है, जो डेली अगर आप लोग करेंगे तो घुटनों की ग्रीस बहुत जल्दी बढ़ेगी। और कोई भी चीज़ जब, चाहे वो मशीन हो चाहे हम लोग की बॉडी हो, अगर जाम होने लगती है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप अपनी बॉडी को हल्का फुल्का चलाते रहेंगे, चाहे वो घुटने हों चाहे पूरी बॉडी हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती और दर्द भी नहीं होता। अगर आप डेली अपने पैरों को जाम नहीं करना है, बस एक बात है कि हम लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी जाम नहीं करना है, तो कैसे उसको हल्के हल्के मूवमेंट में चलाते रहना है जिससे आपका जो ग्रीस है वो जल्दी बनेगा और दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जाड़े आ रहे हैं तो जाड़े में दर्द बहुत होता है घुटनों में। तो कैसे आपको करना है वो ऐसे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते रहना है। एक बार तो आप क्लॉकवाइज करेंगे और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे। ऐसे ऐसे आप डेली करेंगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा और बहुत ही रिलैक्स फील होगा। और एक योगा आपको ऐसा करना है, पैरों को ऐसे सीधे रख लेना है, दिख रहा होगा आपको, ऐसे सीधे रख लेना है और ऐसे ऐसे घुमाना है, हाथ रख लीजिए और ऐसे ऐसे घुमाते रहना है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार वापस से ऐसे। और एक स्टेप है जिसमें आप अपने पैर को ऐसे सीधे कर लेंगे और एक पैर ऐसे मोड़ लेंगे, अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेंगे आराम से। अगर आपका मुड़ रहा है तब आप आराम से इसको ऐसे मोड़ लीजिए और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाइए। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपके घुटनों में दर्द होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक बार ऐसे करेंगे थोड़ी देर आराम से, अगर आपका हो पा रहा है तो, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। और फिर दोबारा इस वाले को ऐसे करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे हिलाएंगे ऐसे। जब आपके घुटने मोड़ने लगेंगे, रोज वही प्रोसेस होगा, तो आप देखेंगे आपका अंतर पड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी और दर्द भी कम होगा। और सबसे बढ़िया जो आसन है घुटनों का वो यही है, रोज। तो चाहे आप जमीन पर लेट सकते हैं तो जमीन पे, या बिस्तर पे कर पा रहे हैं तो बिस्तर पे, कुछ लोगों को जमीन पे प्रॉब्लम होती है तो अगर आप बिस्तर पे कर पा रहे हैं तो बेड पे भी कर सकते हैं। और बस साइकिलिंग धीरे धीरे करते रहिए, डेली ऐसे करेंगे तो देखिए आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे उस फूड के बारे में कि क्या क्या हम लोग ऐसा खाएं जिससे हमारे घुटनों का ग्रीस बढ़ता है। तो बताइए, चलते फिरते आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ये आपके जोड़ घिस रहे हैं, या आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आ रही है, या आपके जोड़ चलते समय टाइट हो जाते हैं, जकड़े हुए से लगते हैं, या उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है? तो यह समस्या अगर आपके पैर में, घुटनों में हो सकती है, तो ये समस्या कार्टिलेज के घिसने से होती है।
और उसमें ग्रीस के घटने से होती है, और इसमें सोनुअल फूड कम हो जाता है, जो सोनुअल फ्लूड होता है वो कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उस ग्रीस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रीस खत्म हो गई हो तो उस समस्या को हम लोग कैसे दूर करें। और मोस्टली घुटने में ही ये प्रॉब्लम होती है ग्रीस ख़त्म होने की। कार्टिलेज के घिसने के साथ साथ इसमें से फ्लड कम होने लगता है, कभी कभी तो चलते चलते आप गिर भी सकते हैं क्योंकि घुटने आपके जाम से होने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रीस दोबारा बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे घुटनों में जो ग्रीस होता है उसकी वजह से ही हम लोगों को घुटने मोड़ने में, सीधे करने में इसमें आसानी होती है, और वही ग्रीस कम होने लगता है जिससे आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। जब घुटनों में से चिकनाहट कम हो जाती है तो जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत पेन फील होता है और उठने बैठने में प्रॉब्लम फील होता है। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके घुटनों से ग्रीस कम हो रहा है तो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाए जिससे घुटनों में ग्रीस बढ़े, तो आज के वीडियो में ऐसे 3-4 नुस्खे बताएंगे जिससे आपके घुटनों में ग्रीस बढ़ेगा। तो उसमें पहला है अखरोट, पहला खाद्य पदार्थ है अखरोट। अखरोट के सेवन से कैल्शियम मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, हेल्दी फैटी एसिड मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है, घुटने से जो कटकट की आवाज़ आती है वो उसके सेवन से कम हो सकती है, और आपके घुटनों में जो स्वेलिंग आ जाती है वो भी इससे कम हो सकती है, स्ट्रेस कम हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 अखरोट की गिरी लेनी है और उसे रात में 1 कप पानी में अखरोट की गिरी को भिगो देना है, और सुबह उठ के उसे चबा चबा के खा लेना है। तो इससे आपके घुटनों में काफ़ी कुछ रिलैक्स मिलेगा आपको। और दूसरा है दोस्तों नारियल पानी, आपको प्रतिदिन कम से कम 1 गिलास नारियल पानी पीना चाहिए, इससे आपके घुटनों में ग्रीस बढ़ेगा, या आपके घुटनों की सूजन को भी कम करेगा। इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम है जो वो हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हरसिंगार के पत्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये पेन किलर का काम करते हैं, जोड़ों का दर्द इनसे कम होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इन सब चीज़ों से घुटने का दर्द कम हो सकता है, सूजन कम हो सकती है और दर्द बिल्कुल भी ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8-10 पत्तियाँ लीजिए, हर सिंगार की जो पत्तियाँ हैं वो 8-10 लीजिए, उन्हें अच्छे से धो के खल्लड़ में कूट लीजिए या कुचल लीजिए, फिर उन्हें 1 कप पानी में उबाल लीजिए, उस पानी में इन पत्तियों को डाल लीजिए और 3 से 4 बार इसे उबालिए और छान कर ढककर रख दीजिए, और किसी गिलास में या कप में कर लीजिए और सुबह यही पानी पी लीजिए आप। और ये पानी आपको खाली पेट सेवन करना है, कुछ दिन में आपका दर्द आप देखेंगे कम होने लगा है। और फोर्थ है दही, जब आप दही जमाने रखते हैं तभी उसमें 10-15 किशमिश डाल दें, और बाद में यही जमा हुआ दही आपको सुबह खाली पेट सेवन करना है, तो घुटनों में जो ग्रीस कम हो रही है उससे ग्रीस डेवलप होने लगेगी, इससे जोड़ों की सूजन भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करना है कि आप सरसों के तेल में थोड़ी अजवाइन और मेथी जला लें उसको थोड़ा लाल लाल, और इसके बाद उसे डेली आप अपने घुटनों में रात में सोते समय लगाएं, तो इससे भी आपके घुटनों में चिकनाहट बनी रहेगी और आपके दर्द नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप देखें अगर, और आपको ऐसा लगता है कि आपके भी रिलेटिव में, जान पहचान में ऐसा कोई है जो जिसके घुटने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो जो भी फ्रेंड्स न्यू हो मेरे वीडियो के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।